दोस्तों एक छोटी सी बात है, कितना आसान लगता है हम जिन लोगों को रोल मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, और इस रोल मॉडल बनाने के बाद हमें ऐसी बातों का पता चलता है। देखिए, जिनके भी नाम आ रहे हैं, जो ए नाम के करेक्टर हैं, एक्टर हैं, जो सुपरस्टार हैं, उनका नाम आ रहा है, उनकी तो आंखों से भी और जब भी वो बात करते थे तो लगता ही था। जो आर नाम के करेक्टर हैं, जिनका नाम आया, जो 37 साल के हैं, ठीक है, उन्होंने एक फिल्म की थी हाल ही में, किसी की बायोपिक की थी, और अब लगता है कि वो उन पर सूट भी करती थी, और मुझे तो ये लगता है कि वो मूवी में एक्टिंग नहीं, वो रियलिटी में ही वो ड्रग्स लेके वो शूट किया गया होगा, किए गए होंगे सारे सीन, यही सब रहा होगा। अभी मैं लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, जब मैं यूएई में था तो वहाँ पर एसआरके आने वाले थे, तो हम लोग बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत ही, देखिए आपको कोई भी इंसान, जो भी सुपरस्टार है, उनको लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, अगर ये सच्ची बात है, मैं फिर भी ये कहूँगा, अगर ये सच है, कहीं भी जो नाम आ रहे हैं, देखिए SRA के क्या क्या नाम आ रहे हैं, मुझे तो A to Z अभी सबके नाम आएंगे, ABCDEFG, आप पूरी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो अल्फाबेट्स हैं, आप पूरा बना लेंगे, और एक एक अल्फाबेट से आप काफ़ी नाम जोड़ लेंगे, इस बात का भी मुझे पूरा यकीन है, ये भी होने जा रहा है, ये भी हो जाएगा। अब इसका लिंक डायरेक्ट कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने संदीप की एक वीडियो देखी होगी, सबसे पहले संदीप सिंह, जो अपने आप को सुशांत का बहुत बड़ा दोस्त कहते हैं 10 साल से, उनकी सबसे पहले ABP ने, या आज तक वाले मुझे अच्छी तरह याद नहीं, ABP न्यूज था शायद, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की थी, जब वो कहते कि सारा काम आप ही कर रहे हैं, सब चीज़ आप ही देख रहे हैं, और वो संदीप सिंह वहाँ पर कह रहे हैं कि सब बहुत मुश्किल था, हाँ मैं उनके घर पर अभी भी जा रहा हूँ तो मुझे महसूस ये एहसास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। संदीप ने वहां पे एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि शाहरुख के बाद अगर कोई हुआ है छोटे टीवी से आने में सॉरी माफ कीजिएगा टीवी से आकर अगर कोई इतना बड़ा कलाकार बना है शाहरुख के बाद, तो वो सुशांत ही बना है, और वो शाहरुख को बहुत फॉलो करता था। अब कहीं ना कहीं ये यकीन हो रहा है कि क्या किसी का ताल्लुक, क्या किसी का लिंक इस चीज से था, ठीक है, रिया ने या उनकी टीम ने या जो भी पेडलर है, ये नाम ऐसे ही नहीं लिए हैं दोस्तों, ये काफी टाइम से होता रहा है, ठीक है ना, और अब ये सच्चाई सामने आ रही है। तो किस तरीके से लोग सुपरस्टार बनते हैं ये आप देख लीजिए। तो जो पेरेंट्स इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या जो लोग सुपरस्टार बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में अपना कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मैं भी किसी जमाने में यही सब सोचता था कि किसी अच्छी एक्टिंग स्कूल से आगे बढ़ूंगा और ये सब करूंगा, पर मुझे नहीं पता था सच में कि वाकई में इतनी गंदगी है, और मैं अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ आज कि किसी हद तक मैं बच गया, और मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होता। और सुशांत इस चीज़ का शिकार हुए, डेफिनेटली होमिसाइड, मर्डर, जब कुछ चीज़ें पता लग जाती है, जब कोई आपके काम का नहीं रहता, जब कोई आपका खुलासा करना चाहता है, जब कोई आपको एक्सपोज करना चाहता है, तो आप रास्ते से हटा देते हैं। बहुत आसान है उनके लिए ये सब चीज़ें, किसी को रास्ते से हटा देना, किसी को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर देना, किसी को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर देना, तो ये सब क्योंकि पैसा है, पैसे के दम पर है, शोहरत है, सब लोग मानते हैं, लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में घर के सामने खड़े रहते हैं, एक बार दर्शन हो जाए इसलिए। पर शायद ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ये बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, और होनी भी नहीं चाहिए। पता चलना चाहिए सब लोगों को कि एक आदर्श किसे कहते हैं, और सच में एक आदर्श क्या होता है, ठीक है। अगर आज हम किसी को पूजते हैं, किसी को भी, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, या नवी साहब हों, जो भी हों, उनको पूछते हैं तो उनके आदर्शों की वजह से उनको पूजा जाता है, उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इस तरीके की चीज़ें जो है। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आज तक हम जिनको सुपरस्टार समझते रहे, जिनके लिए हम इतना
खर्चा पानी करते रहे, जिनके लिए हम तड़पते रहे देखने के लिए, अगर वो कहीं आते हैं तो एक झलक मिल जाए। दोस्तों ये झलक उनकी नहीं, ये झलक अब ऐसा लगता है कि ड्रग्स की थी। हमें एक ड्रग्स की झलक मिल जाती तो ज़्यादा बेटर था। मैं अभी भी ये कहूँगा कि शायद ये सब सच ना हो और ऐसी बातें सामने आ रही हैं, और विश्वास नहीं होता है इतने बड़े बड़े स्टार्स पर। ठीक है, छोटे स्टार्स थे, स्ट्रगल किया, पर इसका सहारा क्यों, ड्रग्स का सहारा क्यों? अगर नहीं कर पा रहे थे तो कुछ और काम कर लेते। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इस चीज़ में हो जाते हैं। और कितने लोग बॉलीवुड में सुसाइड करते हैं, अभी कितने लोगों का नाम आया आप लोगों ने देखा पिछले 3 महीनों में 3-4 महीनों में। तो ऐसी ज़िंदगी, देखो सुसाइड कोई कहीं भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिप्रेशन, कोई भी परेशानी है, ये सडन भी हो सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है। पर एक चीज, एक फैक्टर तो हम अलग करें अपनी कंट्री से, अपने देश से, एक फैक्टर तो हम अलग करें, ये सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब जो है दोस्तों ड्रग का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। ये क्राइम की तरफ भी ले जाती हैं लोगों को, और जाने क्या क्या करवाते हैं, अब आप देख रहे हैं। और अब हमें ये देखना है कि हमारे देश का कानून कितना हमारा साथ देता है, और हमें अपनी कानून व्यवस्था पर कितना भरोसा है, और कितना हम लोग खुल के सड़क पे हंस पाएंगे, सड़क पे हम लोग निकल पाएंगे खुल के छाती चौड़ी करके कि हाँ हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर न्याय मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद।